ये हमारे मीरान भाई ने इसे ये इस काम को हमारे मीरान भाई ने बखूबी अंजाम दे करके दिखाया है। और इनके लिए एक और मेरे पीछे से मेरे रफी भाई ने लिख करके भेजा है, न जाने कैसे कैसे कमाल करता है ये बंदा न जाने कैसे कैसे कमाल करता है, जो भी करता है बेमिसाल करता है। खुदा उम्र दराज करे मीरान भाई को, जिसके फन को सारा जहां सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब केक कटेगा। मैं मीरान भाई के बचपन के दोस्त और स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उनके हर पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटीज में ये लाइव जा रहा है, जो भी बोले घुमाइएगा, ठीक है ना। इसको कोई जानता नहीं होगा शायद, यहाँ पर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं उनको बोलूंगा कि मीरान भाई को तब से अभी तक उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है। मीरान के बारे में मैं बस बता दूँ कि मीरान सबसे अच्छी बात है कि कोई काम उनको हम लेता है तो करके छोड़ता है, चाहे इसके साथ कोई सपोर्ट करे या ना करे। बहुत डेडिकेशन, सबसे डेडिकेशन कोई काम तक मुझे करना है तो हमें भी सपोर्ट करना पड़ता है में भी। और मीरान को मैं बहुत बहुत उनको जो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह इनको कामयाबी दे। और आमीन 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 जो भी है खुशियाँ दे इनको और तुम्हारी तरक्की दे। बस ये है कि मीरान भाई के लिए एक बात कहूँगा कि इससे ज़्यादा मैंने पेशेंस किसी में नहीं देखा, क्योंकि जब हम जैसे पे आए थे तो शायद सबसे ज़्यादा मैं इससे लड़ता था और ये बेचारा आप करके बात करता था, मैं इसको गाली देती थी। और अल्लाह ताला ऐसे जो है उन्हें हमारे साथ रखे हमेशा, और जो है उनकी उम्र में ठीक है। बाकी यही कहूँगा मैं, जब से जामिया में आया हूँ स्टार्टिंग से मीरान भाई जो है हमारे साथ हैं, और कोई भी परेशानी हुई कोई भी प्रॉब्लम आई हमारे सामने तो उन्होंने हमारा साथ दिया है हर चीज में हर तरह से, ठीक है। और बाकी यही कहूँगा कि मीरान भाई जो है बहुत आगे जो है ऐसे ही कंटिन्यू करें पढ़ाई को जैसे एमफिल कर दिया, एमबीए भी हो गया, बीटेक भी हो गया, माशाल्लाह पीएचडी में भी आ रहे हैं, पीएचडी भी हो जाए और जामिया जो है एक जो डबल पीएचडी है उसमें जो है हमारा साथ कुछ सब कुछ तारीफ करें। मैं बोलूं मीरान भाई लेकिन मैं एक शेर है और ये जबान मेरी है बेशक लेकिन अल्फाज आप कंसिडर कीजिएगा ये मीरान भाई के। अच्छा अच्छा, मोहब्बत से मोहब्बत भरा पैगाम है मेरा, मोहब्बत का पुजारी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, जिस गली मोहल्ले से गुजर जाता हूँ चर्चा आम है मेरा, और जो गमों में भी मुस्कुराता है वो मेरा नाम है मेरा। सब खा के आए हैं। मैं मीरान भाई के बारे में बस कुछ एक बात कहूंगा कि मेरी और मीरान भाई मुझे नहीं मालूम लाइए नहीं कह सकता हूँ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, साथ में नहीं भी रहते हैं, चल बात साथ में रहे नहीं रहे लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, साथ ही रहते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हर बार यहाँ लड़ते हैं और जो है जाकर फिर एक साथ बात करके पूरी प्लानिंग भी एक साथ ही हमारी होते रहती है जो भी कुछ करना होता है। और मीरान भाई की सब तारीफ करते रहे तो इनके बारे में ना एक चीज़ बोलूँगा कि जो इनसे सीखना चाहिए लोगों को, जितना भी इस इंसान ने प्रोटेस्ट किया या नॉर्मली एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि भाई लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है तो ख़राब होगा, लड़कों को बिगाड़ रहा है प्रोटेस्ट।
और लास्ट में क्योंकि मुझे शेर व शायरी नहीं आती है लेकिन सिर्फ एक शेर कहूंगा मीरान भाई के लिए कहता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बस दो तीन मिनट में केक कटने वाला और सब में बटने वाला है। सबसे पहले मैं दो साथियों का खास और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए साथियों का मैं खास मुबारकबाद दूंगा। अच्छा ठीक है। और शाह आलम जो शुरू से मेहनत कर रहे थे, और फराज मतलब मुबारकबाद के हकदार सब है, लेकिन ये लोग चूंकि ये जो आप लोग केक खाने वाले हैं यही लोग मैनेजमेंट के हैं। साथियों दानिश का नाम भी मीरान भाई बुरा लग गया। कुछ दो चार मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा मैं। 2005 में मैं पहली बार दिल्ली 2002 में आया था, उसके बाद फिर चला गया। 2005 में मैं आया था क्लास 9th में आया था, उस वक्त वही बचपना था, हाफ पैंट पहन के स्कूल के कैंपस में घुमा करते थे जामिया के ओखला वगैरह गलियों में। अल्हम्दुलिल्लाह अब दाढ़ी भी सफेद होने लगी है। तो इस 13 सालों में काफी कुछ सीखने का मौका मिला। इसके आगे और भी है। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि भाई मैं क्यों सबर कर रहा था। दरअसल मुझे प्रोटेस्ट करना था तो सबर तो करना ही पड़ता। तो और खालिद ने कहा कि एकेडमिक मैंने कभी खराब नहीं मेरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बीटेक में भी मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था और एमबीए फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन पास हुआ था। और ये मैं एक एक एक्टिविस्ट से कहता हूँ, आए दिन कहता हूँ कि दो तीन काम है जो आपको करना है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना चाहिए, आपकी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। साथियों जब हम लोगों ने जेएसए बनाया था तो नकी भाई हैं, इमरान भाई हैं, खालिद हैं जो सीनियर सबसे जो कोर सीनियर थे, सालिम भाई भी है, लेकिन जो कोर यहाँ पे थे जैसे के आइडिया को डिजाइन करने वाले खालिद, नकी भाई, इमरान भाई। तो हम लोग का एक विजन था, विजन ये था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसके तहत से हम यार हर कोर्स के लड़कों के अंदर लीडरशिप डेवलप कर सके, ताकि लीडरशिप डेवलप करने का फायदा ये हो सके कि वापस वो यूनिवर्सिटी से अपने गाँव जाए, अपने शहर जाए, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे किसी भी जिले के हो, चाहे किसी भी लोकेलिटी के हो, वहाँ पे लीडर बन के वो निकले और वहाँ पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। और जामिया इसी चीज़ के लिए बना था, इसको सबसे पहले हम लोगों ने समझ के जैसे बनाया। जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया कि हर सेमेस्टर में कुछ चंद 10 लोगों का टीम है, वो मेरा बदल जाता है, बदलता नहीं है। दरअसल मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि 8-10 नए चेहरे निकाल सके, 8-10 नए लोगों को लीडरशिप दे सके, ताकि उनके अंदर वो लीड करने वाली बात आए। साथियों जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ पे तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, और वो बहुत सारे साथी जो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, कहीं मेरी गलती रही, शायद मैं उनको टाइम रहते नहीं बता पाया, या ऑर्गेनाइज करने की वजह से कम टाइम में इन लोगों ने काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज करना था तो मैं भी बुला नहीं पाया, लेकिन तमाम साथियों की वजह से बदौलत से मैंने स्ट्रगल किया, हम लोगों ने मिल के स्ट्रगल किया और सबने साथ दिया, और उसी साथ की वजह से थोड़ा बहुत जो भी इज्जत अल्लाह ताला ने दिया, जो भी थोड़ा बहुत नाम दिया, शायद वही सबके साथ और सबकी दुआओं का असर है। साथियों यूनियन आना ना आना अब चीज़ नहीं है, हम लोग मिल के इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं कि यूनियन के बहुत करीब हैं, पास आउट हो जाएंगे इस साल। लकी भाई ने हमारा ईयर भी याद कर रखा है। हमारा मकसद नेता बनना नहीं था, स्ट्रगल करके कोई लीडर बनता है, वो हम लोग स्ट्रगल करके अल्हम्दुलिल्लाह लीडर बन चुके हैं। अब हमारा मकसद है कि हमारे जो जूनियर भाई बहन हैं उनको किस तरीके से वो पावर दिया जाए, वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो यहाँ से लीडर बन के अपने इलाके में जाएं और कुछ समाज के लिए बेहतर काम कर सके। साथियों मैं किसी और खास लोगों का नाम इसलिए नहीं रुकाऊंगा, मतलब एक एक लोगों से मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, चाहे वो जिस अंदाज में, चाहे मतलब कोई रात में मैं हंगर स्ट्राइक पे था, रात में सोता था, कई ऐसे साथी है जो मेरे साथ कभी चाय नहीं पिए, लेकिन था कि मीरान भी बैठे हैं तो हंगर स्ट्राइक पे हमें भी बैठना है और हमें सोना है, उनके साथ अकेले नहीं छोड़ना है, उस तरह के भी साथी थे। मैं बीमार पड़ गया, कई ऐसे साथी, मेरे पॉकेट में एक रुपया नहीं था, बोले थे कुछ चाहिए क्या खाने पीने का, मैं बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, लेके चले आते थे। तो ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो जामिया में हमने गुजारा। 13 साल हंसते खेलते गुजर गया, ये शायद आखिरी साल है, कम चांस है कि अब इसके बाद मैं एडमिशन लूंगा, क्योंकि हकीकत ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब घर की जिम्मेदारी उठाया जाए, कुछ पैसे कमाए, वहाँ के माँ बाप को शादी भी किया जाए, क्योंकि जामिया ने मुझे सब कुछ ही दे दिया।
कम्युनिटी सेंटर बुक करेंगे जामिया का। अभी कल नक्की भाई जो है कम्युनिटी सेंटर की लड़ाई के लिए ही आए थे, जबकि हम ज्यादा लड़ेंगे। साथियों केक कटने का वक्त आ गया है, खोलिए हो जाइए प्लीज, कोई केक मेरे चेहरे पर नहीं नहीं नहीं, खोलिए हो, अरे खाने के लिए कम पड़ जाएगा, हमारे मुंह पे आया बहुत फोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, पूरा आपके ऊपर पड़ेगा। बैग उठा के अपने बैठे रहो भाई, अल्लाह मत करो, बैग उठाने सर दू का लिया है। अरे नकी भाई जी चला है क्या? अरे खाली तो है बिस्किट कितना है क्या? एंड कर दे, नहीं केक कट जाए। अरे ये भी इतना बढ़िया आपका फोटो नहीं है, आप कैमरा में बढ़िया फोटो ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट कर दूंगा मैं, लिख दिए। अरे नेताजी सही है, केक अच्छा है क्या भाई? खाने से मतलब है बे, ये बत्ती है, ये क्या है? रॉकेट, ये तो रॉकेट लग रहा है। अरे डबल चार्जिंग, हैप्पी बर्थडे नेताजी, मेहनत किया ना सर, काटना भी उसके बाद हाँ कुछ नहीं होगा, सवाल है। अरे बैठिए ना, बैठिए भाईजान, बैठिए। अरे आइए तो गैप कर, पार्टी भाई कहाँ जाए? अरे आइए इमरान भाई, आइए आप लोग, सिराज भाई हो गया, अरे साथ में आइए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, एक बचाओ हैप्पी बर्थडे टू यू, मिरान भाई नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अरे फूक देते हैं ना, अरे ऊपर फूकने का तो नीचे फूक रहा है, कार्टून सब अपना ये कर लेगा भाई। एक चाक उठाइए आप, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमारे जबरदस्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लीडर का आज बर्थडे है, जो कि एक जबरदस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव शो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के चुग गुजल नेता, जो कि जबरदस्त यहां पर बर्थडे मना रहे हैं इनका, जबरदस्त यहां पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र इनका स्वागत कर रहे हैं। बहरहाल एक जबरदस्त अंदाज, अंदाजे बयान इनकी, अंदाजे बयान इनकी संघर्ष, पूरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट इनको सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्थडे केक को काटते हुए यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट। बहरहाल तो कैसा लगा आपको बर्थडे, हमारे लीडर साहब जो बर्थडे मना रहे हैं, कैसा लगा आपको ये जामिया स्टूडेंट होने के नाते, कैसा लगा? अच्छा क्या क्या बात है इनके अंदर, वो खूबियां है तो ये एक लीडर नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से दो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दिग्गज नेता एक दूसरे का केक खिलाते हुए पक्ष विपक्ष में हमेशा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मिठाई खिलाकर एक दूसरे को स्वागत करते हैं। बहरहाल एक जबरदस्त उस आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर सालिम जी को और इमरान चौधरी एक दूसरे को केक खिलाकर स्वागत करते हुए, कैसा लगा आपको केक खाकर बताएं? बड़ा मीठा केक था, मीठा था, प्यार था,
बिहार था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बहुत खूब। जैसे कि यहाँ पर कहें कि केक बहुत जबरदस्त था, और बहरहाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा सिराजुद्दीन साहब से कि क्या कहना चाहेंगे केक के बारे में, कैसा, कितना टेस्टी था, बताएं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, और इस प्रोग्राम को बहुत ही लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, और खासतौर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने DSLR लेकर गया। ओके, बहुत शुक्रिया आपके, आपके मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ आपके कम्प्लीमेंट को। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक उभरता हुआ सितारा, और उसके पीछे इतना स्टूडेंटों का आज मजमा लगा और उनको नेक दुआएं दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या नेक दुआएं हैं उनके लिए? मैं तो एक ही शेर बोलता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानी भी मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवा बन। बहुत खूब, बहुत खूब फरमाए। जैसे कि आप बताएं, जैसे कि यहाँ पर देखिए केक कट रहा है, बहुत ही जबरदस्त कट रहा है केक, जो जैसे कि आप देख रहे हैं केक। तो देखिए तो ये केक, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा यहाँ से खालिद भाई से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के इस बर्थडे पार्टी के बारे में, बताएं कुछ आप? सब देखो मैं बताऊं, नहीं बताएं आप कुछ? हाँ, क्योंकि मैं बहुत सुबह ही से आना चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। ये एक अजूबा, एक अजूबा से यहाँ पर क्लाइमेक्स देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के केक खिला रहे थे नकी भाई और इमरान भाई, एक जबरदस्त क्लाइमेक्स था। जैसे कि पक्ष बिग पक्ष यहाँ पर एक दूसरे के केक खिलाते हुए थे, बहुत ही खुशी की बात है। कैसा लगा केक खाकर, बताए कुछ? बहुत बढ़िया। कैसा, बढ़िया में टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, उम्दा है। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा।